हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रहा है और आज डे 10 है और वेडनेसडे है। तो चलिए, मैं सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने अपना वही हल्का सा वार्म वाटर लिया था और 11 बजे तक मैंने अपना 1 लीटर पानी ख़त्म कर लिया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। तो 11 बजे मैंने खाली 1 एप्पल ले लिया था, वो स्किप हो गया। तो मैं आगे दिखाती हूँ क्या लिया। तो 11 बजे मैंने अपना पराठा लिया था, ये चिकन का पराठा बना रही हूँ। स्टफिंग जो है चिकन की है ये, तो मैं वो बना रही हूँ और एक ही पराठा बनाऊँगी। काफ़ी हेल्दी पराठा है इसमें, और मैं थोड़ा सा देसी घी लगा के इसे सेक रही हूँ। तो अबू भी यही लेंगे आज। तो चलिए मैं अपना ये पराठा एंजॉय करती हूँ दही के साथ और ग्रीन केरी रेड चटनी के साथ। काफ़ी टेस्टी और यम्मी लगता है ये, आप ट्राई ज़रूर करना। और जो स्टफिंग भरी है मैंने, चिकन का कीमा था वो मैंने बनाया था। आज मैं सिर्फ हाफ बोतल ही पी पाई हूँ, ज़्यादा पानी मैंने नहीं पिया। कोशिश करती हूँ 3-4 लीटर मैं पूरे दिन में ख़त्म कर लूँ, लेकिन करूँगी कोशिश कि 3 लीटर तो मैक्सिमम पूरा ही हो जाए। तो चलिए मैं ये इन्जॉय करती हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम आती है यार इंटरमीडिएंट फास्टिंग में, आदत नहीं है ना इतनी देर भूखा रहने की। फिर 12 बजे मैंने अपना ये वार्म वाटर लिया था। अच्छा रहता है अगर आप खाने के बाद या कोई ऑयली चीज़ के बाद ग्रीन टी या वार्म वाटर लेते हैं। अगर आप लंच के आधे घंटे बाद भी ग्रीन टी लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। 4:30 मैंने भुना चना लिया था और ये 1 कप चाय है फीकी, और ये भुना हुआ चना है। सात बजे मैंने अपना डिनर किया था। डिनर में मैं चिकन सैलेड बना रही हूँ। आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा कि लो कार्ब ही लें, लो कार्ब डाइट करेंगे तो उससे भी काफ़ी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। तो ये 150 ग्राम चिकन है, ये बोनलेस चिकन है। तो और ये 198 मतलब 200 ही मान लो इसको। ये सैलेड है जिसमें रेड और येलो कैप्सिकम है, ऑरेंज कैरेट है और बंद गोभी होती है ना, फुल गोभी वो है, कॉलीफ्लावर। उसके बाद ड्राई चिलीज़ में मैंने ये लिया है, साबुत मिर्च होती है ना कुटी हुई वो है, और हिमालय पिंक सॉल्ट है, और क्यूमिन सीड्स पाउडर है, और ब्लैक पेपर पाउडर है, और हाफ लेमन है। तो इसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। 150 इसलिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं तो मेरा 100 ग्राम ही रह जाएगा। अब ये सारे मैं इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसको, और हाफ लेमन भी ऐड करूँगी, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हाफ लेमन जूस मैंने इसे डाल दिया है इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स करना है आपको। एक मिनट के लिए आप इसे मिक्स कर लेना अच्छे से। उसके बाद आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रख देना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे ऐसे ही जल्दी से बना सकते हैं। और ये गार्लिक पेस्ट है, मैं भूल गई थी डालना तो अभी ऐड कर रही हूँ। अब मेरा पैन हीट हो गया है तो इसमें मैं अब थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ऑलिव ऑयल डालूँगी, और फिर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। इसको 3 मिनट के लिए हल्का सा चला के इसे 3 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। 3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे खोलूँगी। तो आप इसे अच्छे से चला कर इसे पलट कर आप कोशिश करें रात में हिमालय पिंक सॉल्ट ही लें। अगर आप क्या कहते हैं मेंटेन डाइट पे हैं तो फिर कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। फिर इसे 3 मिनट के लिए और रख दूंगी। तो 3 मिनट हो गए, मैंने इसे खोल के देख दिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई सीड्स होती हैं जैसे पम्पकिन सीड्स वगैरह ये सब ऐड करी थी, और सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड्स, और थोड़े से तिल थे। उसके पास जो सारी वेजिटेबल्स थी मैंने कट कर ली थी, जैसे कि रेड और येलो शिमला मिर्च थी, और फूल गोभी थी, और क्या होता है गाजर थी, ऑरेंज कैरेट, उसे मैंने डाल के अच्छे से मिक्स करके इसे फिर रख दिया था रेस्ट करने के लिए।
थोड़ा सा ढक के रखने के बाद इसे मैं थोड़ा सा फिर से चलाऊंगी, अच्छे से सोटे करूंगी। एक दो मिनट के लिए इसे सोटे करना, क्योंकि जो वो होती है वेजिटेबल्स वो थोड़ी मुझे क्रिस्पी बहुत अच्छी लगती हैं, क्रंची क्रंची मुंह में आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मेरा सैलेड तैयार है। आप चाहे तो इसमें आप नींबू भी ऊपर से डाल के खा सकते हैं, बट मैं नहीं, इतना नींबू नहीं लेती मैं। और ये मेरी खुद की रेसिपी है, अपना दिमाग लड़ा के मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो अब टेस्ट करती हूँ कैसी बनी है। काफ़ी यम्मी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर आपको बहुत पसंद आएगी गाइस ये। तो चलिए अब मैं नाइट ड्रिंक तो खाली ग्रीन टी ही लूँगी, और बस यही आज का मेरा, आपका कल से शायद मैं अपनी वही नॉर्मल डाइट करूँगी। और सोच रही हूँ वो रुजुता दिवाकर मैम है उनकी डाइट फॉलो करूँ, आजकल वही लोग ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का वेट लूज हो भी रहा है। मैंने भी काफ़ी वेट लूज कर लिया, वन मंथ चैलेंज लिया था उसमें काफ़ी वेट करा है अभी तक। तो खैर इंटरमीडिएट फास्टिंग में तो मैंने अपना वेट किया ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।